आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस एंड अलाउेंस रूल्स 1990, जिन्हें हम यूजुअली मेडिकल रूल्स के नाम से जानते हैं ये रूल्स जो है एस 203 के अंडर फोर्टीन जून 1990 को नोटिफाई किए गए थे लेट्स बिगिन पहले हम देखते हैं इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है यानी ये रूल्स किन पे एप्लीकेबल है और किन पे एप्लीकेबल नहीं है तो पहला है दीज रूल्स स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि होल टाइम एम्प्लॉयज हैं और काम करते हैं परमानेंट काशी परमानेंट या टेम्पररी कैपेसिटी में वो सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज जो सस्पेंशन के अंडर हो या लीव पे हो और वैसी कोई कैटेगरी एम्प्लॉज की जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करे फ्रॉम टाइम टू टाइम उन पे भी उस हिसाब से तब अप्लाई हो सकती है यहां मैं आपको बता दूं हमने वर्ड यूज किया है स्टेट गवर्नमेंट ऑल दो वी नो स्टेट हुड खत्म होके अब हमारी यूटी बन गई है बट अभी जो हमारे रूल्स है इनमें कोई चेंजेस नहीं की गई है तो हम अभी भी स्टेट ही यूज करेंगे अब देखते हैं ये रूल्स जो है किन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे या किन लोगों पे अप्लाई नहीं होते तो इसमें पहली कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हो कोई गम जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हो कोई मेडिकल एड फैसिलिटी किसी भी स्कीम के अंडर किसी और स्कीम के अंडर अगर वो कोई बेनिफिट अवेल कर रहे हैं तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते पर्सनल्स ऑफ जे के ठीक यानी जे एंड के की जो फोर्सेस अपनी है उन पे नहीं होती अप्लाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि पार्ट टाइम कैपेसिटी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो उनपे नहीं होती पर्सनस जिनको हम कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है लगाते हैं उनपे अप्लाई नहीं होता वो लोग जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं उनपे नहीं होते अप्लाई और वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको हम कंटिनजेंसी के अंडर पे करते हैं यानी कंटिनजेंसी से पे करते हैं उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब हर रूलिंग्स के अंदर जैसे आपको पता है कि कुछ डेफिनेशंस होती है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट डिफिनिशन है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूं रेस्ट हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मेमोराइज करने की जरूरत है तो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो बेनिफिशियरी है क्योंकि इन रूल्स में हम काफी जगह नाम जो बेनिफिशरी वो गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली हुई जिन पे ये रूल्स जो है अप्लाई होते हैं यानी गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में कौन कौन आ सकता है फैमिली जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की आइदर मेल और फीमेल उसकी फैमिली में हस्बैंड या वाइफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एडोप्टेड चिल्ड्रन स्टेप चिल्ड्रन और पेरेंट्स एंड माइनर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी छोटे भाई बहन जो माइनर्स हो कि 18 ईयर से कम हो और ये सारे चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो चिल्ड्रन हो माइनर सिस्टर माइनर ब्रदर या पेरेंट्स हो ये होली डिपेंडेंट हो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे और उसी के साथ रहते हो उनको हम फैमिली मेंबर्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल रूल्स ऑल दो अगर हम देखेंगे कंडक्ट रूल्स में भी ये टर्म फैमिली जो है वो आती है वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है बट आप देखेंगे रूलिंग टू रूलिंग हल्की सी स्लाइड सी डिफरेंस होती है डेफिनेशन में लेकिन जिस रूल के अंडर आपको पूछा जाए आपको एग्जैक्टली exactly उसी रूलिंग की डेफिनेशन देनी है पेरेंट्स अभी हमने देखा कि फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड किए गए हैं तो खाली वो पेरेंट्स माने जाएंगे मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी मंथली इनकम पांच हजार से ज्यादा ना हो और इस इनकम को जो है इनकम सर्टिफिकेट की सूरत में सर्टिफाई करना चाहिए एक रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार की रैंक से कम नहीं होना चाहिए अर्लियर ये टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज थे लेकिन एस आर ओ थ्री हंड्रेड एट डेटेड 10 दस 2011 जब से इम्प्लीमेंट हुआ जब से नोटिफाई हुआ तब से इनकम लिमिट जो है वो बढ़ा के 5,000 कर दी गई है जैसे हम सबको पता है कि ट्रीटमेंट या तो हम अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में लेंगे या तो आउटसाइड स्टेट यानी आउटसाइड यूटी जाके लेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी दो कैटेगरीज बनती है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के अंडर यानी मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम ले रहे हैं तो विदिन या आउटसाइड स्टेट ले रहे हैं उस वजह से हमारे पास दो कैटेगरीज बन जाती है तो पहला हम पढ़ेंगे मेडिकल अटेंडेंस विद इन द स्टेट या मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि एक स्टेट के अंदर ही एक स्टेट गवर्नमेंट अवेल करता है अब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है एलिजिबल है इस जो इसको वापस पैसे मिलते हैं जो उसको रिम्बर्समेंट मिलती है जो कि इसने इनकर किए हुए होते हैं यानी कि जो भी इसने खर्चा किया हुआ होता है अपनी ट्रीटमेंट पे या अपनी फैमिली मेंबर्स की ट्रीटमेंट पे विद इन द स्टेट हम पहले बात कर रहे हैं विद इन द स्टेट उसके लिए क्या होना चाहिए हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको मेडिकल रिमबर्समेंट दी जा सकती है अगर उसने जो है ट्रीटमेंट अवेल की होगी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद इन द स्टेट और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उसने इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है अवेल की होगी यानी वो वहाँ पे एडमिट रहा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा अपनी स्टेट में तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है मेडिकल रिम्बर्समेंट एलो की जा सकती है या उस गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है फैमिली मेंबर अगर एडमिट रहा हो तो उसके लिए भी उसे मेडिकल रिम्बर्समेंट दी जा सकती है और ये मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या क्या चीजें आती है इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इसमें आते हैं या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हो हॉस्पिटल की या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस वगैरह हो वो सारी उसको जो है हम दे सकते हैं लेकिन कब जब वो हॉस्पिटलाइज रहा हो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज रहा हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद इन द स्टेट क्योंकि हम विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज नहीं रहा यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने अपनी ट्रीटमेंट नहीं ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं था तो वो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसके फैमिली मेम्बर्स जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है पहली कंडीशन तो ये है कि जो कंसर्न मेडिकल अथॉरिटीज है जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स या डायरेक्टर स्कीम्स या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वो ये सर्टिफाई करने चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने या इसकी किसी फैमिली मेंबर ने ली ये जी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं थी तो इस वजह से इसको जी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा ये सर्टिफाई करके होना चाहिए तब जाके इसको जो है जितना अमाउंट जितनी एक्सपेंसिस हुए होंगे वो मिल सकते हैं अगर ये भी ना हुआ जो कोई ये फैसिलिटी थी जो कोई ये ट्रीटमेंट थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल थी लेकिन जब कोई सर्जरी हुई ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की या उसके फैमिली मेम्बर की तो उस सर्जरी में उसे एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए एक क्लीन एक कॉन्जीनियल सर्जिकल एटमोसफियर चाहिए यानी साफ सुथरा शांतिपूर्ण पीसफुल क्लीन सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होना मिलना चाहिए उस सर्जरी के दौरान या उस ट्रीटमेंट के दौरान तो तब जाके जो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंट्रोलिंग uh, अथॉरिटीज़ होंगी जैसे कि मैंने अभी बताया प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स कॉलेज या डायरेक्टर स्कीम्स और डायरेक्टर हेल्थ ये चार इन चारों में से कोई एज द केस में भी ये सर्टिफाई करना चाहिए कि ऑल दो ये ट्रीटमेंट ये सर्जरी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकती थी लेकिन इसके लिए जी जो हमारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था एक स्पेस्टिकेटेड थिएटर चाहिए था वो बस प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मुमकिन था तो इस सर्टिफिकेट की बिना पे जितने सारे एक्सपेंसिस उस एम्प्लॉय के हुए होंगे ज्यूरिंग ट्रीटमेंट वो उसको मिल सकते हैं लेकिन हम ये बात करें विद इन द स्टेट की उसके बाद अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी बेनिफिशियरी यानी फैमिली मेंबर उसका उसको हॉस्पिटलाइजेशन जो है रिप्लेसमेंट करना पड़ा हार्ट वैल्यू यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पेस मेकर डालना पड़ा स्टंट वगैरह डालने पड़े या हेयरिंग एड एप्लेंसिस इम्प्लांट करने पड़े तो उस को जो भी एक्सपेंसेस इस दौरान हुए होंगे वो भी उसको रिम्बर्स किए जा सकते हैं और वो आएंगे अंडर पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली मेंबर को कोई भी डिवाइस इम्प्लांट करना पड़ा चाहे हार्ट वाल्व चाहे पेस मेकर चाहे हेयरिंग एड अपलिज या वट तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर इसको कोई भी इनमें से चीज़ लगाई गई तो उसका कॉस्ट भी रिम्बर्स हो जाएगा आराम से नेक्स्ट अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी फैमिली मेंबर उसकी फैमिली का उनको खुदा ना खास्ता कोई जो है लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज हो यानी कि लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज में आता है आ, कैंसर ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूमर या ऐसी वाली काफी सारी जो अलाइड डिजीज होती है जिनको हम लाइफ कंज्यूमिंग मानते हैं तो उस एम्प्लॉय को या उस एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर को कॉन्टिन्यूसली अगर हॉस्पिटल में नहीं रखा गया हो तो उसके बावजूद भी उसे जो है एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो सकते हैं लेकिन उन एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट के लिए जो है मैंने अभी आपको चार मेडिकल अथॉरिटीज का नाम बताया वो एक लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए जिसमें वो ये मेंशन करने चाहिए कि ये जो डिजीज़ है ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी डिजीज से सफर कर रहा है ये डिजीज़ जी लाइफ कंज्यूमिंग है और इसमें फॉलो अप की ज़रूरत है फॉलो अप मतलब घर पे बैठ के भी ट्रीटमेंट इसको कंटिन्यूसली करना है बिकॉज ये डिजीज़ जो है लाइफ कंज्यूमिंग है यानी कि ये डिजीज़ जो है मार सकती है इंसान को तो तब भी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज के लिए भी सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपको रिम्बर्स हो सकते हैं इनफैक्ट उसमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो और हॉस्पिटलाइजेशन uh, ना भी हो यानी दोनों पीरियड्स हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड एंड प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड वो दोनों इसमें कवर अप हो जाते हैं अगर आपकी डिजीज जो है वो लाइफ कंज्यूमिंग है बशर्ती ये कि उसके लिए एक लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट जो है वो देने चाहिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसज डायरेक्टर स्कीम्स या प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स कॉलेज वट एवर द केस मे बी आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब एक और मसला है हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट जो है रिम्बर्स करती है यानी पैसे देते हैं लेकिन हमें तो पहले वो खर्चा खुद करना पड़ता है अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा हो जिसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ना हो कि वो पहले जो है इनकर कर सके पैसे या जो अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हाई है वो काफ़ी लैक्स में जा रहा है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक रिलैक्सेशन रखी है कि सेवेंटी फ़ाइव परसेंट तक जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उस ट्रीटमेंट का उस डिज़ीज़ का वो उसको एडवांस में ही मिल सकता है लेकिन वो डिज़ीज़ जो है वो टर्मिनल या लाइफ कंज्यूमिंग हो तब जाके ऐसे नहीं किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चलो जी मुझे सेवेंटी फ़ाइव परसेंट दे दो नहीं जब भी कोई बंदा सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई बंदा सफर कर रहा हो किसी टर्मिनल मींस जिसका एंड डेथ ही डेथ हो टर्मिनल या लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से सफर कर रहा हो तो वो बंदा अगर पैसे उतने अफोर्ड ना कर पाए कि ट्रीटमेंट अवेल करे विद इन द स्टेट तो उसको जो है गवर्नमेंट अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट एडवांस में ही ट्रीटमेंट के पैसे दे सकती है लेकिन उसके लिए भी उसे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर सिकेम्स प्रिंसिपल जीएमसी या वॉट एवर द केस में भी उनसे एक सर्टिफिकेट लानी है उनसे रिकमेंडेशंस भी लानी है कि हाँ जी इस बंदे की जी ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे और इसको इतना अमाउंट इसमें जो है खर्चा होगा और वो रिकमेंड करेंगे कि इसको जी इसमें से कुछ पैसे इन एडवांस दिए जाए अंडर द रूल्स तो उस टाइम पे इस केस को जो है हम अपने रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ उठाते हैं और फाइनली वहां से सेंक्शन विद बजट एलोकेशन मिल जाती है अब अगर खुदा ना खास्ता किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉ को कुत्ते ने काट लिया यानी डॉग बाइट्स हो गए तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए जितना सारा खर्चा होगा वो भी रिमबर्स हो सकता है यहाँ पे गलती से डी आई जी हो गया है डिग बाइट हो गया है ये वहां पे डॉग बाइट है तो जो भी डॉग बाइट होंगे उसके लिए जो है जितना उसको वैक्सीनेशन में पैसा लगेगा वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली को रिम्बर्स हो सकते हैं लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसकी एडवाइस पे वो वैक्सीनेशन वो इंजेक्शन वगैरह लगाए गए हो तो ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है रिम्बर्स हो सकते हैं अब उसके बाद आता है मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट यह रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग बोर हो जाए तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेडिकल अटेंडेंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट हम देखेंगे कि आउटसाइड स्टेट के लिए क्या प्रोसीजर है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आई होप आज आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको कोई नोट्स uh, की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो हम आपको वो मेल के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट भेज सकते हैं थैंक यू सो मच लेकिन जाने से पहले ये कहूँगी कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं, सो so दैट आपको हर आने वाली वीडियो का अपडेट मिले और हर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो so दैट सब तक ये कंटेंट पहुंच जाए थैंक यू सो मच